मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद उनके घर पर राजनेताओं का तांता लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे। उन्होंने साधना गुप्ता के निधन के बाद अपनी श्रद्धांजलि दी और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। स्वतंत्र देव के साथ बीजेपी की नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी दिखी। वहीं एक और जहां मुलायम और स्वतंत्र देव बात करते नजर आए तो अपर्णा पीछे खड़ी दिखाई दी। वहीं इस मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के आवास पर उनकी पत्नी स्वर्गीय साधना जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। मुलायम और योगी की बात करती हुई तस्वीरें खूब वायरल हुई। योगी जब मुलाकात के लिए पहुंचे तब शिवपाल यादव, अक्षय प्रताप यादव, अपर्णा यादव और अखिलेश यादव भी वहां मौजूद रहे। अखिलेश यादव के साथ भी योगी आदित्यनाथ बात करते हुए नजर आए, जिसको लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। हालांकि पहली बार नहीं है जब स्वतंत्र देव या योगी ने मुलायम परिवार से मुलाकात की हो, इससे पहले भी कई बार दोनों की मुलाकात हो चुकी है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं बल्कि विपक्ष और अखिलेश यादव के सहयोगी भी मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंच रहे हैं। स्वतंत्र देव से पहले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। राजभर की तस्वीरें सामने आई जिसमें वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव बगल में अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। राजभर ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की धर्मपत्नी साधना यादव जी के निधन पर आज उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। राजभर की इन तस्वीरों की खूब चर्चा हुई, क्योंकि आजकल अखिलेश और राजभर के संबंध उतने बेहतर नहीं रहे। हालांकि यूपी में राजनीति से इतर सभी नेता मुलायम सिंह के दुख में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।